और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी के जौनपुर में मोहर्रम के दौरान में सर तंग से जुड़ा के नारे लगाए गए। जौनपुर में मातमी जुलूस के दौरान में धमकी वाली नारेबाजी भी की गई। तो आपको बता दें कि मोहर्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए हैं। तलवार लहराते हुए लोगों ने देश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरा मामला जौनपुर का है, जहाँ मोहर्रम के दिन जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए। कुछ लोगों ने इस बात को ये बताई है, ये बात कि वहाँ पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान वो जैसा परंपरागत उनका एक शोक का जुलूस होता है, उसमें लकड़ी खेला जाता है और तरह तरह के करतब होते हैं, वो खेल और नाटक और चीज़ें, नुक्कड़ टाइप की चीज़ें करते हैं, उसमें तमाम चीज़ें होती हैं आज़ादारी के दौरान, और जो मातम के जो उनके कर्तव्य होते हैं उस दौरान उनकी दो टीमें बनी हुई थी, एक भारत एक पाकिस्तान, और उसके बीच में वो एक नुक्कड़ और नाटक खेल रहे थे, जिसमें ये चीज़ नोटिस में लाई गई है। इसकी राजपत्रित अधिकारी से इसकी जांच कराई जा रही है और जो जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो सामने आया जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के नारे लगाए गए थे और साथ ही सरतन से जुदा के भी नारे लगाए गए। तुषार हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हुए हैं। तुषार, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया गया है और ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये मुहर्रम में मातम मना रहे थे और मातम के समय इन्होंने सरतन से जुदा के नारे लगाए हैं। साफ तौर पे देखिए वीडियो में दिख रहा है कि लोग हाथों में तलवार लिए हुए हैं और तलवार लेके उसको लहरा रहे हैं, और जब मुहर्रम का जुलूस निकला हुआ है तो उस समय सरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर FIR दर्ज कर लिया है और पुलिस जो है वो अब ये पता लगाने की कोशिश करी कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह के नारे लगाए हैं। देखिए आपको बताएं तो ये जौनपुर के मछली शहर के मीरगंज इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर इस तरह की नारेबाजी की गई है। जबकि साफ तौर पे सरकार की तरफ से कहा गया था कि किसी को भी किसी भी तरह के जुलूस हो या धार्मिक कोई भी कार्यक्रम हो उसमें कोई भी हथियार। तुषार बड़ा सवाल लेकिन यहाँ पर यह है कि योगी सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे हो जाती हैं? साथ ही साथ खुले में शस्त्र भी इस जुलूस के दौरान लहराया गया है। निश्चित तौर पे देखिए ये जौनपुर पुलिस कहीं ना कहीं इसमें लापरवाह दिखी है, क्योंकि जिस तरह से शस्त्र साफ तौर पे लहराया जा रहा है, तलवार लहराई जा रही है, चाकू लहराए जा रहे हैं, उसके बाद नारे लगाए जा रहे हैं, देश विरोधी बातें की जा रही हैं। तुषार देखिए, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि सरपंच से जुदा के भी नारे लगाए गए हैं। ये जो गैंग है ये कई सारे राज्यों में एक्टिव है, कई सारी सरकारें इस पर एक्शन ले चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। निश्चित तौर पे देखिए चाहे वो राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र हो, कई जगह इस तरह के नारे लगाकर कई लोगों की हत्या की गई, मर्डर किए गए वहां पर, और उसके बाद भी इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, विद्वेष फैले, धार्मिक उन्माद फैले, ये कराने की कोशिश की जा रही है। भले मुहर्रम का जुलूस था, मातम मनाया जा रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे देश विरोधी लोग हैं जो इस तरह के नारे लगा के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको उकसाने का काम कर रहे हैं कि वो भड़के और दूसरे समुदाय के ऊपर जाके हमला करें, बवाल करें, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, धार्मिक उन्माद फैले, दंगा फैले। लेकिन पुलिस की अब लापरवाही इसमें साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि साफ तौर पर योगी सरकार का निर्देश था कि किसी भी तरह के अस्त्र का प्रदर्शन किसी भी जुलूस में नहीं होगा। बिल्कुल तुषार, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इसमें जांच कितनी जल्दी होती है और कौन वो लोग थे जो नारे लगा रहे थे, उन्हें आखिर कब पकड़ा जाता है? आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये बता दें कि कानपुर में मुहर्रम जुलूस में तिरंगे का अपमान किया गया है। तिरंगे में मस्जिद और चांद तारे के निशान बनाए हुए पाए गए हैं। हिंदू संगठनों ने पुलिस से भी इसकी शिकायत की है। FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ये मांग की गई है हिंदू संगठन की तरफ से। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर में मुहर्रम जुलूस में तिरंगे का अपमान किया गया। तिरंगे में मस्जिद और
चांद तारे के निशान भी मिले हैं। हिंदू संगठनों ने पुलिस इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर भी दर्ज की गई है और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं तिरंगे का किस तरह से अपमान किया गया है। चांद तारे तो बीच में बनाए गए हैं, मस्जिद भी बनाई गई है। में चक्र की जगह चांद तारे आखिर क्यों बनाए गए, इस सवाल है। और ऐसे में देखिए तिरंगे का अपमान यहां पर किया जा रहा है और हर बार इस बात पर बहस होती है कि आखिर तिरंगा हमारा है, आपका है, इस देश के हर एक शख्स का है, हर एक आवाम का है। लेकिन ऐसे में देखिए किस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े कर रही है। आखिर हर बार यही तस्वीरें सामने आती है कि तिरंगे का अपमान जो है वो किया जाता है। शिवम लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। शिवम देखिए इस पूरे मामले में अगर अभी तक बताया तो वीडियो सामने आया है लेकिन कार्रवाई अब तक कितनी आगे बढ़ी है, क्या किसी की पहचान हुई है, आखिर किसने ऐसी हरकत की है? देखिए सचिन, कानपुर में मुहर्रम की पूर्व संध्या पर यह जुलूस निकाला गया था जिसमें तिरंगे के अपमान की बात सामने आ रही है। तिरंगे में जहां पर अशोक चक्र होता है वहां पर तमाम निशान बनाए गए थे, वो चांद तारे समेत तमाम निशान थे। उसको लेकर जो कानपुर के हिंदू संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, वो इसको लेकर बेहद नाराज थे और पुलिस में कंप्लेंट दी गई थी। हालांकि वीडियो भी वायरल हो गया है। अब कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर है उनका कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, शिकायत दर्ज की गई है और जो आरोपी हैं वीडियो के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। इस पूरे मामले की जांच होगी और सचिन मैं आपको बता दूं यह पहला मामला नहीं है, इससे महज एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले भी कानपुर के रावतपुर में एक राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की बात आई थी। वहां पर तब तिरंगे के ऊपर अशोक चक्र जहां होता है वहां मस्जिद बनाई गई थी और फिर एक हफ्ते में ही यह दूसरा मामला आ गया है, जिसके बाद एक बार फिर कानपुर के संगठनों का कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने पिछली बार कड़ी कार्रवाई नहीं की उसके चलते ही इस बार इनकी इतनी हिम्मत पड़ी है। क्योंकि मुहर्रम के दिन यह जुलूस निकाला गया जिसमें यह तिरंगा जिस पर मस्जिद और चांद तारे बनाए गए इसको लेकर जुलूस में इसको शामिल किया गया था। क्या अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर भी हुई है या किसी को नामजद इसमें किया गया? बिल्कुल इस पूरे मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि हमारे युवाओं ने ये तिरंगा बनाया और वो कहीं ना कहीं जो भावनात्मक तौर पर वो इस बात को समझ नहीं पाए कि अपमान है, हमने अपना धार्मिक प्रतीक के तौर पर कि तिरंगे से हमारा धार्मिक प्रतीक जुड़ जाएगा, हम सम्मान दे रहे थे लेकिन हम अपनी बात को पुलिस के सामने रखेंगे और अपमान करने की अगर बात सामने आई है तो हम जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए तैयार हो जाएंगे। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, 4 नाम उसमें नाम भी दर्ज किए गए हैं जिन लोगों ने उस मुहर्रम के जुलूस का आयोजन किया था और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, न सिर्फ वीडियो के जरिए बल्कि जहां से वो मुहर्रम का जुलूस निकला था वहां पर। लेकिन शिवम एक तरफ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तिरंगे के सम्मान की बात हो रही है, दूसरी तरफ इस तरह की हरकत करना, तिरंगे पर चांद तारे बना देना, ये देखिए साफ बताता है कि आखिर मंशा क्या थी।